बस मैं आई हूँ और सामने वो भूत जैसा दिख रहा है कुछ अकेला खड़ा हुआ। दिखाता हूँ आपको, देखो देखो भाई, भाई का स्टैंड, भाई ने स्टैंड लगा दिया बाइक का, देख सकते हो। तो गुड मॉर्निंग, तो आज से हम ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं और अभी तो मैं ना के इसकी तरह स्टार्टिंग करी है। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं राइड पे और वो सरप्राइज़ है, मैं आपको अभी चल के बताता हूँ। तो जल्दी निकलते हैं अभी यहाँ से, आज मेरा पहला दिन है ब्लॉगिंग का, तो अभी यहाँ से निकल के फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ, बने रहिएगा प्लीज़। तो गाइज़ मैं तो आ गया हूँ और टाइम हो रहा है 4:52, बाकी विराज भाई आने वाले हैं अभी, जो मतलब हमारे ग्रुप के ही हैं, बाकी उनका वेट करता हूँ अभी, उनको कॉल करके देखता हूँ कहाँ तक पहुँचे, बाकी आपको दिखाता हूँ, आज बहुत मज़ा आने वाला है। विराज भाई से भी बात हुई है, बस बता रहे रास्ते में अभी आते हैं, तो फिर आपको आज पूरे मज़े दिलाने वाले हैं हम, बस लाइन साथ में बने रहिएगा और पूरी वीडियो देखेगा, कसम से बहुत मज़े आने वाले हैं। अभी भाई रास्ते में ही हैं, उनका वेट कर रहे हैं, टाइम आपको दिखा सकता हूँ मैं, 4:54 हो रहा है, बाकी आने ही वाले होंगे, 5-10 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपको मिलवा दूँ। दोस्तों पूरा सुनसान रोड पड़ा है, बस भाई का वेट चल रहा है और टाइम भी अभी 5 बजे का ही है, तो बिल्कुल आप देखो खाली रोड पड़ा है बिल्कुल। बस मैं आई हूँ और सामने वो भूत जैसा दिख रहा है कुछ अकेला खड़ा हुआ, दिखाता हूँ आपको देखो, बट कोई नहीं, तुम्हारा भाई है, कोई डरने की बात नहीं है। खैर अकेला तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ये बढ़िया था गुरु। पर कोई बात नहीं, तब भी कोई डरने की बात नहीं है। ये देखो पता नहीं कौन खड़ा है 5 बजे, साला इसको भी सुबह सुबह खड़ा होना था यहाँ पे, जबकि मैं यहाँ पे अकेला खड़ा हूँ। पर कोई नहीं, आप लोगों को साथ में लाइक कर देना, इसे मैं भगा दूंगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। बाकी भाई का वेट कर रहा हूँ, आते हैं तो मैं यहीं से ही ब्लॉग स्टार्ट करूँगा आपको। दोस्तों भाई आ गए हैं, ये सामने भाई की बाइक है, बस पहुंच गए भाई, भाई से मिलवाते हैं आपको। क्या हाल है विराज भाई? आज फुल मजा आने वाला है राइड पे, मजा आने वाला है भाई। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, टाइम भी ज़्यादा हो गया, जल्दी निकलते हैं, फिर आपको आज दिखाएंगे। और पेट्रोल भरवा लिया हमने, तो भाइयों हम पहुंच गए हैं, और जैसा कि भाई कह रहे थे अभी कि हम बहुत लेट हो रहे हैं, हम सबसे पहले पहुंच चुके हैं, अभी बंदे आने वाले हैं, और अपनी MT खड़ी और भाई की बाइक खड़ी। विराज भाई आप तो कह रहे थे यार कि हम जल्दी पहुंचने वाले हैं, मतलब लेट हो रहे हैं हम बहुत। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो कोई नहीं, अब पहुंच गए हैं, बाकी बंदे आने वाले हैं, कोई नहीं, हम ये है कि समय से पहले पहुंच गए हैं और बंदों से, बाकी बाइक की भाई ये खड़ी भाई की बाइक, और अपना थोड़ा वेट करते हैं फिर निकलेंगे, बाकी भाई लोग आ रहे हैं सारे, तो सारे भाई आ चुके हैं अभी और अपनी राइड स्टार्ट करेंगे। MT है भाई, MT, तो सबके साथ अभी पूरी राइड स्टार्ट करेंगे, और देख सकते हो आपको आगे से दिखाता हूँ सारा लोग, यहाँ तक सारी अपनी बाइकें खड़ी हैं, पूरा ग्रुप है अपना, और फुल मजे आने वाले हैं आज, पूरा ब्लॉग देखेगा एंड तक देखेगा, पूरे मजे आएंगे आज। यहाँ से स्टार्ट करवाता हूँ मैं आपको पूरी, ये देखो ये खड़ी है हमारी रॉयल एनफील्ड, तो भाई जी आप देख सकते हो हमने आपको लास्ट में दिखाया, और ये खड़ी है डोमिनार, ये हमारे बाइक की बाइक है R15, ये खड़ी हमारी बाइक, ये खड़ी है भाई की, और वो खड़ी है विराज भाई की बाइक, तो पूरे मजे आने वाले हैं आज। और अभी खैर लोकेशन तो मैं आपको बता नहीं सकता, लोकेशन में आपको पहुंच के ही बताऊंगा, तो अभी आगे धीरे धीरे शूट करूंगा। Thank you.
भाई लोग सारे आ चुके हैं अपने, और यहीं से भी स्टार्ट करेंगे अपनी दूसरी ट्रिप। और वहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से सारी अपनी बाइकें खड़ी हैं, ये पूरा अपना ग्रुप खड़ा है। और दोस्तों फुल मजे आने वाले हैं, सारा आपको रास्ते में सब दिखाएंगे। और आपसे माफ़ी चाहूँगा, मेरा पहला व्लॉग है और अभी मेरे पे GoPro वगैरह भी कुछ नहीं है, बट धीरे धीरे सब मैं आपको दिखाऊंगा और संडे की सारी राइडें आपको दिखाऊंगा। और फुल मजे आने वाले हैं, फुल भोकाली होने वाली है, फिल्म बनाएंगे ब्रो दूसरी। तो सारे भाई अपने यहाँ पे हैं, और ये हमारे भाई हैं, आज हमें मिले हैं, इतना ज़्यादा नहीं है, सारे भाई हमें आज मिले हैं नए। और हमारा पहला ब्लॉग है, रायविराज भाई के साथ में आया हूँ, तो आज स्टार्टिंग करी है हमने, तो पूरे मजे आने वाले हैं आज को। रास्ते में बने रहिएगा, मैं बस ये है कि आपको रास्ते में आते आते मैं कुछ भी नहीं दिखा पा रहा, बट हाँ मेरे जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं सबसे वीडियोस लेके कुछ ना कुछ मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। और यहाँ से निकलते ही फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ पहुँच के डेस्टिनेशन पे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर आगे के। तो हमारे राइडर्स अभी आ रहे हैं अभी, और चलो ब्रो निकलते हैं, और निकल के मैं आपसे सब कुछ शेयर करता हूँ। सारे भाई पहुँचते हुए यहाँ पे, सारे भाई पहुँच गए यहाँ पे, और आप देख सकते हैं सुबह के 6:30 बज रहे हैं, कुछ भाई अभी आ रहे हैं। और दोस्तों कसम से ऐसी जगह है ना, अभी आते आते रास्ते में हमारे 2-3 बाइकर्स की बाइक मतलब पूरी स्लिप होते होते, पूरी स्लिप मेरी खुद स्लिप होते हुए बची, मानो पूरी लेटने वाली थी। और यहाँ पे पहुँचे हैं, अब शूट होगा। ये प्लेस है, व्यू देख सकते हैं आप, ये रही हमारी सारी बाइकें। वो रे विराज भाई, दोस्तों सारे भाई अपना पहुंच गए यहाँ पे, और अंकल जी जा रहे हैं अभी बाथ टब लेने अपना पूरा नाने। और देख लो आप सब, ये हम बागपत के थोड़ा नियर बाय हैं, यूपी और हरियाणा का बॉर्डर बीच में पड़ता है यहाँ पे। और सारे अपने भाई, सारे ब्लॉगर मजा बांध देंगे आज। अंकल से भी हमने पूछा था, वो कह रहे भी हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, तो सुबह सुबह यहाँ पे आए नहाने। देख सकते हो आप, ये है हमारे ग्रुप के R15, और ये खड़ी अपनी MT, देख सकते हो दोस्तों। और MT की आते आते यहाँ पे हमारे ग्रुप के कितने लोगों ने पूछ लिया आज की, भाई साहब सबको MT नाम मास्टर ऑफ टॉक अलग ही है। और कसम से दोस्तों मेरी फेवरेट बाइक MT है मेरे, मैंने अपाचे भी चलाई है पहले, और भी बाइकें चलाई हैं और बुलेट भी चलाई है, बट सबसे अच्छी मेरे को MT ही लगती है। बट हाँ अपाचे का मुझे हॉर्न पसंद है, और MT तो फिर दोस्तों आपको पिकअप के मामले में पता ही है। अभी इन भाई ने भी देखी थी चला के, ये भाई लेट हो गए हैं थोड़ा, ये सबसे लास्ट में आए हैं, और सारे बंदे हम पहुंच गए हैं, भाई सबसे एंड में आए हैं। रॉयल एनफील्ड है, और यामा की MT है, और R15 है, और डोमिनार है, बहुत सी बाइक हैं, सबका अपना अपना भी एक एक रिव्यू लेंगे कि किस किस की बाइक में मतलब क्या क्या अपना एक होता है खासियत कि हाँ क्या क्या है। तो अपने सारे भाई अभी इकट्ठे हो रहे हैं अभी एक एक करके, भाई देख सकते हो अंकल बार बार 2-3 बारी गाड़ी की टर्न कर चुके हैं, और 2-3 बारी देख चुके हैं हमारे ग्रुप की बाइकों को। और देखो आप कसम से सामने से जो लग रही हैं, ये देखो क्या लुक आ रही है सामने से सभी बाइकों की। अभी अंकल आ रहे हैं, अभी प्रसाद देंगे हमें,
जहाँ तक लग रहा है। भाइयों अभी अंकल ने प्रसाद दिया और भाई कह रहे हैं अभी सारा यहाँ पे दाल मोड बनाने वाले हैं और पेट्रोल फूक के आया हम क्या हाँ, दाल मोड़ी खाने ये देखो और अभी हाँ प्याज मंगाई है अभी आने वाली है। किसी ने सही कहा है कि जो शोक होता है ना शोक 200 की पेट्रोल फूक के चाय पीने जाते हैं वही वाला हमारा सीन है अपना वही सीन है। ये भाई है अभी वहाँ पे गाना चल रहा है भाई फुल मजे ले रहे हैं ट्रैक्टर में पीछे पीछे आ गई वाले गाने पे और अभी अभी वहाँ पे डांस भी चलेगा अभी वहाँ पे ट्रॉली पे खड़े हो गए सारे बंदे वहीं पहुँच के अभी डांस वांस करने वाले हैं। और भाई वो स्टैंड लग चुका है बाइक का स्टैंड लग चुका है भाई ने स्टैंड लगा दिया बाइक का देख सकते हो नहीं लग रहा है स्टैंड की क्या जरूरत है हमारे ट्विस्टर भाई को क्या जरूरत है स्टैंड की ये देखो भाई कैसा स्टैंड लगा है। तो भाइयों देखो वहाँ पे फुल मस्ती चल रही है सारे भाइयों की सब अपनी भाई के फंसाने में लगे हुए हैं और फोटो वोटो चल रही है उनकी यहाँ पे अपने भाई लोग खड़े हैं सारे देखो स्टंट के चक्कर में थोड़ा नुकसान हो गया है और बाइक स्टार्ट नहीं हो रही भाई की भाई साहब क्या कर दिया आपने भाई की हैप्पी होली होते हुए और दूसरे भाई वहाँ पे वो भी